भारत इतना आगे निकल गया बाकी टीम से कि बाकी टीम्स नकारा हो गई हैं। सो बहुत बड़ा गैप डाला हुआ है इंडिया ने बाकी टीम से, और ये अपनी गलती से मैच हारेंगे, इनको कोई हराने वाला नहीं है इस वर्ल्ड कप। पता ही नहीं मुझे कितनी तारीफें करें इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब वी बीन जस्ट एवरी टाइम दे गो आउट टू प्ले दे जस्ट यू नो आउटशाइन एवरीबॉडी, दे आउटक्लास देयर ओपोनेंट्स एंड दे लुक अनस्टॉपेबल नाउ। इट्स लाइक दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम। पीरियड लिखा हुआ मैंने अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल लाइक अ चैंपियन। रनवे ट्रेन नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, दे आर गोइंग दैट वे एंड दे आर कमिंग क्लोज टू सचिन तेंदुलकर। यार ये किसी ने नहीं सोचा था भाई, ये कोई नहीं कहता यार सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है और सचिन जैसा रिकॉर्ड कोई बनाएगा, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन इसे लड़के ने करके दिखाया भाई। He is the most viewed guy in the world. He is the most smartest guy in the world. Reason why he is what he is because he used this. India मतलब ऐसा लग रहा है कि वो तो मतलब कोई टीम ठहरी नहीं उनके सामने, मतलब पांच में से पांच। सो क्या हो रहा है ये? फॉर्म को कैश करने वाला प्लेयर दुनिया में एक ही है जिसका नाम विराट कोहली। ओके क्या खा पी के आता है ये, क्या करता है, अपनी समझ से बाहर है, दुनिया की समझ से बाहर है कि ये किस तरीके से आउट होगा। मतलब क्या पैशन उस बंदे के अंदर, बैटिंग करता है आउट होने का दिल नहीं करता, रन्स करने जाता है वो कहता है बस रन्स की ढेर लगा दूं मैं, सेंचुरियां मार दूं, एक ही मैच में सेंचुरियां मार दूं जितनी मार सकता हूं। मैं बात कर रहा हूं, आप सबको पता है मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं। 95 को आउट हुए, ये कॉन्फिडेंस है, ये उनको पता है कि उनको कोई नहीं हरा सकता है। एक ये एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी इसको कहते हैं, जब आपको पता होना कि आप इनविंसिबल हैं, आपके पास कोई आएगा नहीं और आपको इतना अपने भरोसा है अपनी स्किल्स के ऊपर। दे आर सर्टेन थिंग्स एंड इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट कंपेरेबल एंड विराट कोहली इज वन ऑफ दोस। और मेरे ख्याल से ये क्रिकेट को अपनी मर्जी से चला रहा है। मैं कहता था क्रिकेट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, इस वक्त मैं समझ रहा हूँ उससे बड़ा प्लेयर। अरे 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 अच्छा ओ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कल इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप में अपने पांच में से पांच मैच जीत चुका है और टेबल टॉपर भी बन चुका है, और विराट कोहली कल अपने 49th ओडीआई सेंचुरी बनाते बनाते चुक गए। लेकिन विराट कोहली वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, उनके पीछे रोहित शर्मा है। तो देखा जाए तो अभी वर्ल्ड कप में भारत ही भारत छाया हुआ है। एक तो भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है और भारत ऊपर से जिस तरीके से खेल दिखा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि भारत को कोई हरा सकेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जो थी वो इस वर्ल्ड कप में सबसे स्ट्रांग टीम थी, क्योंकि ये सब स्ट्रांग टीम को हरा के आ रही थी। लेकिन इसको भी भारत ने मतलब नाको चाने चबा दिया और मतलब जीत के लिए, और आखिरकार जीत भी लिया न्यूजीलैंड से। चलिए देखते हैं कि जो पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर है वो भारत की कैसे तारीफ करते हैं इस जीत को लेकर। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। भारत इतना आगे निकल गया बाकी टीम से कि बाकी टीम्स नकारा हो गई हैं। सो आप चाहे कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ये नहीं कर सके, या आखिरी के 10 ओवर में 54 रन किए और 300 नहीं किया, 273 किया, जिसकी वजह से भारत जीत गया, मगर ये बॉलिंग ऐसी हुई ना। फिर उसके बाद रन चेस जो था वो अब एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। पहले चार की बैटिंग एवरेजेस सारी 50 से ज्यादा की हैं और स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, तो आपको कहां रिलेंटलेस प्रेशर है, मोहलत ही नहीं मिलती। आप जितनी मर्जी टैक्टिक्स, जितनी मर्जी स्ट्रेटजी लगा लें, क्लास क्वालिटी के आगे आप नकारा हो जाएंगे। ये पाकिस्तान करते थे रिवर्स स्विंग में, आखिरी के 10 ओवर में बड़ी बड़ी टीमों को गिरा देते थे, तो वो अब कोई कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज ये स्किल लेवल ही और लेवल का है। सो आप ये कह देंगे जी हाँ उन्होंने रन नहीं किए, या गैरल मिचेल ने 100 के पास आके और स्पीड नहीं पकड़ी और फिर आखिरी के बल्लेबाज आउट हो गए, जो मर्जी कह ले आप जी। बात फैक्ट ये है कि बहुत बड़ा गैप डाला हुआ है इंडिया ने बाकी टीम से, और ये अपनी गलती से मैच हारेंगे, इनको कोई हराने वाला नहीं है इस वर्ल्ड कप। जो मर्जी सर्कमस्टेंसेस हो, हमें अपने रोल का पता, और जो खड़ा होगा पिच पे वो मैच फिनिश करके जाएगा। इस माइंडसेट को और इस अप्रोच को और भी कैसे देखते हैं आप? यार ये देखो, ये क्लास है, ये कॉन्फिडेंस है, ये उनको पता है कि उनको कोई नहीं हरा सकता है। एक ये एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी इसको कहते हैं, जब आपको पता होना कि आप इनविंसिबल हैं, आपके पास कोई आएगा नहीं, और आपको इतना अपने भरोसा है अपनी स्किल्स के ऊपर, तो फिर हालांकि एक विकेट दूर थी ना, चले शामी ने बैट किए हुए थे, कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि जडेजा ने या कोहली ने अपनी गेम बदली हो कि जी क्या होगा अगर हम आउट हो गए तो पीछे छुट्टी है सारी टीम की? ऐसा नहीं देखा ना, वो छक्के भी मार रहे थे, वो चौके भी मार रहे थे, वो रिलैक्स भी थे, सिंगल्स भी ले रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये आउट करने वाली नहीं है इस विकेट के ऊपर ये टीम न्यूजीलैंड की। सो ये एक तरह से आपका चलता है ना, जब आपका फॉर्म लगी हो तो फिर आप किसी को भी हरा सकते हैं। तो ये माइंडसेट की गेम होती है, क्रिकेट जो होती है ना, ये एक एनवायरमेंट से आपको चैंपियन बनाती है, और एनवायरमेंट इस वक्त ये है कि अगर चार भी फेल हो जाएंगे तो पांचवीं छठी विकेट पे हम जीत जाएंगे, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो बुमराह खड़ा होकर हमें मैच जिता देगा। इंडिया उस लेवल पे पहुंच गई है, ये दूसरों को आप इतना मुर्दे इल्जाम ना ठहराएं, और इंडिया की आप देख चीजें देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसको फॉलो कर सकता है। विराट कोहली मतलब डे बाय डे मतलब इंप्रूव करने की बात करें या वर्ल्ड क्लास प्लेयर की बात करें, वनडे क्रिकेट में बड़ा शायद नहीं देखा, स्पेशली इन चीज और डिफिकल्ट कंडीशन इसमें। आप इसी वर्ल्ड कप में तीन चीज दिखा दी उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ और आज, और इनका जो कमाल नजर आया ना, अपने साथ वाले को जिस तरह से खिलाते हैं,
जितने भी मैच देंगे तो खुद तो करते ही रन रहे, लेकिन साथ वाले को इतना बड़ा प्लेयर बनाते हैं कि वाकई में जडेजा लग रहा था कि आज तो वो बहुत कुछ कर देगा। इससे पहले केएल राहुल के साथ उन्होंने बैटिंग की, तो ये अपना खुद भी खेलते हैं दूसरे को खिलाते हैं, और यही वजह है कि इंडिया अपने स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रही, वो विराट कोहली की स्ट्रेंथ पे खेल रही है, उसके चेज कर रहे हैं वो। क्या इंडिया को किसी भी प्लेयर की कमी महसूस हुई हो आज? लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, दे आर सर्टन थिंग्स एंड इंडिविजुअल्स दे आर नॉट कंपेरेबल, एंड विराट कोहली इज वन ऑफ दोस। अब इंडिया की डोमिनेंस की बात करें तो जो इन्होंने बात की, मैं समझता हूँ कि उसमें और इजाफा ये करता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ जब से विराट कोहली का ये कैरियर स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक मैंने उसको फेल होते नहीं देखा वाइल्ड चेजिंग। मोस्टली मैंने ये देखा है कि उसकी जो रेशो है शायद ही दुनिया में किसी और बैट्समैन के साथ कंपेयर की जा सकती है, और वो उसके आधा भी नहीं होगा वाइल्ड चेजिंग द रन्स। तो क्या कंप्यूटर फिट है उसके दिमाग में? कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन फैंस अराउंड द वर्ल्ड, इट इज अ ट्रूली डिजर्व्ड विक्ट्री एंड दे लुक कंप्लीटली अनस्टॉपेबल। पता ही नहीं मुझे अब कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती, मतलब वी बीन जस्ट एवरी टाइम दे गो आउट टू प्ले दे जस्ट यू नो आउटशाइन एवरीबॉडी, दे आउटक्लास देयर ओपोनेंट्स एंड दे लुक अनस्टॉपेबल नाउ। इट्स लाइक दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम, पीरियड। लिखा हुआ मैंने अनस्टॉपेबल लाइक अ चैंपियन टीम। रन रेट ट्रेंड नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, दे आर गोइंग दैट वे। एंड जिस किस्म की इंडिया ने बॉलिंग की आज, पहले 10 ओवर और आखिरी 10 सिर्फ ओवर आप देख लें, बाकी तो बीच में छोड़ दें, मतलब ऐसी बॉलिंग। दो आउट थे 40वें ओवर तक न्यूजीलैंड के, दो सेट बैटर थे लेकिन उन्होंने हिलने नहीं दिया क्योंकि वो क्रेडिट बॉलिंग को जाता है, वो उस रन तक नहीं जाने देते दूसरी टीम को कि जहां पे मैच पड़ सके। पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर बहुत मुश्किल तो नहीं हो गया, हालांकि कहना कब्ज वक्त है, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। इंडिया मतलब ऐसा लग रहा है कि वो तो मतलब कोई टीम ठहरी नहीं उनके सामने, मतलब 5 में से 5 सो क्या हो रहा है। वो जो चीज भी कर रहे हैं हाँ वो पे कर रही है। आप देखें शामी को खिलाया आज, हाँ उसने 5 आउट कर दिया, सही मैन ऑफ द मैच, सही है यस। अब बात वही है, फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म होना, इस वक्त राहुल द्रविड़ एंड कंपनी जो चीज भी इम्प्लीमेंट करी ना वो कामयाब हो रहा है। आज आपने जैसे विराट की बात करी कि 5 रन चाहिए थे उसको 49th भी, हाँ, हाँ। ये अब इंडिया के लिए और ज्यादा अच्छा हो गया, वजह वो अगले मैच में दोबारा उसको थर्स्ट रहेगी उसमें। फॉर्म को कैश करने वाला प्लेयर दुनिया में एक ही है जिसका नाम है विराट कोहली। ओके शर्मा के अलग ही मामला है, बॉलिंग पर आए तो बुमराह का अलग है, स्पिनर्स का अलग, कंप्लीट पैकेज है इस वक्त इंडियन टीम। लेकिन इस वक्त जो बैटिंग की है ना विराट कोहली ने, मुझे मेरा मानना है कि इस वर्ल्ड कप में कोई भी बैटिंग लाइनअप होती ना जो कोई 60-70 रन से मैच हारना था उन्होंने, अच्छा जैसा बाउंस और जैसी बॉलिंग न्यूजीलैंड की थी, ओके। लेकिन वो विराट कोहली था जो मैच जितवा के चला गया, मास्टर है चेस में, और मेरे ख्याल से ये क्रिकेट को अपनी मर्जी से चला रहा। मैं कहता था क्रिकेट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, इस वक्त मैं समझ रहा हूँ उससे बड़ा प्लेयर। अरे 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 अच्छा ओ हो। और आखिरकार इंडिया की टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। रोहित शर्मा वही 46 रन 40 बॉल में 4 छक्के 4 चौके, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है भाई ये बंदा। इनकी जो बैटिंग है ना वो जो है वो देखने के जो है काबिल होती है। फिर उसके साथ साथ फौरन से शुभमन गिल जो है वो 26 रन पे आउट हुए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा प्लेयर है पता नहीं इसको ये क्या खा पी के आता है, ये क्या करता है, अपनी समझ से बाहर है, दुनिया की समझ से बाहर है कि ये किस तरीके से आउट होगा। मतलब क्या पैशन उस बंदे के अंदर, बैटिंग करता है आउट होने का दिल नहीं करता, रंस करने जाता है वो कहता है बस रंसों की ढेर लगा दूं मैं, सेंचुरियां मार दूं, एक ही मैच में सेंचुरियां मार दूं जितनी मार सकता हूं। मैं बात कर रहा हूं आप सबको पता है मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं। 95 को आउट हुए, 7 रन रह गए थे, 6-7 रन, पूरी कोशिश की उन्होंने लास्ट मैच की तरह कि मैं किसी तरीके से 100 करूं, नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने मैच विनिंग इनिंग जो है खेली, उन्होंने 100 कर देते सचिन तेंदुलकर के साथ, आज वो उनकी सेंचुरीज वनडे क्रिकेट में बराबर हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं लोगों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगले मैच में फिर 100 कर देगा, अगले उससे अगले मैच में 100 कर देगा, इसी टूर्नामेंट के अंदर वो सेंचुरी भी बनाएगा, बराबर भी करेगा सचिन तेंदुलकर को, और मेरे ख्याल उनसे ज्यादा भी सेंचुरी बना जाएगा जिस तरह उसकी फॉर्म है। मतलब आप देखिए खुद भी खेलता है, दूसरे को खिलाता है, सामने खेलने की कोशिश करता है, वो ये नहीं करता बिना वजह किसी एक शॉट मार दी थर्ड मैनों पे खेल दिया एक्स्ट्रा एफर्ट की, नहीं पूरा बैटिंग करता है पूरी, मतलब ये नहीं जितनी फील्डिंग की भी होती है उसकी पूरी कसर पूरी करता है वो बंदा बैटिंग करने की कोशिश करता है। इंडियन टीम पूरी जो है दो बंदों पे खड़ी हुई, स्पेशली बैटिंग की बात कर रहा हूं मैं, रोहित शर्मा और जो है विराट कोहली। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा पाकिस्तान के जो पूर्व तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा रमीज राजा से लेकर वासिम अकरम, बसित अली, राशिद लतीफ, मोहम्मद हाफिज और कमरान अकमल, बसित अली सभी ने भारत की इस जीत को और विराट कोहली की इस दमदार चेजिंग को जमकर तारीफ किया। और चेज मास्टर अगर रियल मीनिंग में अगर वो मतलब डिक्शनरी में लिख देना चाहिए चेज मास्टर के बाद विराट कोहली को ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, क्योंकि इनके पहले ना इनके बाद ऐसा कोई प्लेयर आया था जो प्लेयर मतलब जिसके सबसे ज्यादा शतक 32 उन्होंने मतलब अगर जो स्कोर किए हैं जिसमें वो 32 इनिंग्स में ऐसा है जो उन्होंने चेज किया है जिसमें वो चेज कर रहे हैं उसमें
21 इनिंग्स में उन्होंने इंडिया को जीत दिलाया। कोई ऐसा हो सकता है कि आप 32 इनिंग्स चेज में अगर खेलो जिस इनिंग में इंडिया जीता हो उसमें 31 में आप मतलब अनबीटेबल और मतलब आप नॉट आउट रहे हो, ऐसा कोई प्लेयर आ ही नहीं सकता। ऐसे इनिंग्स विराट कोहली जब खेलते हैं तो उनको देख के क्या ही कहा जा सकता है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहा है भाई इस वर्ल्ड कप में, वो रिकॉर्ड तोड़कर, और लग भी ऐसा रहा कि भाई सर गॉड सचिन तेंदुलकर जी से भी आगे चले जाएंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि भाई विराट कोहली अब अपने मतलब एंड में है, वो कहीं एंड में क्या, वो अपनी कैरियर के स्टार्ट में लग रहा है कि भाई जिस तरीके से धो रहे हैं, शुभमन गिल फेल हो जा रहे हैं लेकिन विराट कोहली जिस तरीके से खेल रहे हैं, विराट कोहली सभी यूथ है मतलब यूथ के लिए एक आइडियल बन चुके हैं कि भाई सब चाह रहे हैं कि भाई हम विराट कोहली जैसे बैटर बने, पर हम जानते हैं ना सचिन तेंदुलकर जैसे कोई बन सकता है ना विराट कोहली जैसे बन सकता है, वो एक सिंगल रन वन पीस है। और इस तरीके की जो भारत अब वर्ल्ड कप खेला है, भारत को शायद मुझे लगता है कोई हरा पाएगा, अब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका एक चुनौती है, मुझे नहीं लगता इन दोनों इतना ज्यादा हमें टक्कर नहीं दे पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। भारत की इस जीत को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।